तो फ्रेंड ट्रिग्नोमेट्री से हमारी ये प्रॉब्लम है इन ट्रायंगल एबीसी, एबी इक्वल टू एसी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड बीसी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, फाइंड कॉस एंगल एबीसी। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ट्रायंगल है इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और इस पर हम जो ये वर्टेक्स है इसको ए एंड देन ये बी और ये सी। हमने इसको टॉप पर ही क्यों रखा, क्योंकि हमें ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, इससे हमारी नोटेशन इजी हो जाएगी। नाउ ए बी इज 15 सेंटीमीटर एंड ए सी इज ऑल्सो 15 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 18 सेंटीमीटर। नाउ फ्रेंड अब हमें कॉस ए बी सी कैलकुलेट करना है, तो ए बी सी आपका यहां पर है और यहां पर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट होगी। उसके लिए वर्टेक्स ए से हम अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। नाउ अब अगर किसी ट्रायंगल में टू साइड इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल आइसोस्केलिस ट्रायंगल होता है और उसके टू इक्वल साइड्स के वर्टेक्स से अगर हम अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये अपोजिट साइड को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। नाउ इस पॉइंट को हमने डी कर दिया। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, बी डी इज इक्वल टू बी सी बाय टू यानी कि 18 बाय टू यानी 9 सेंटीमीटर, और ए बी इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर एंड ए डी इसको हम कैलकुलेट करेंगे यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो अब 90 डिग्री ये है तो ए बी आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ए डी स्क्वायर प्लस बेस यानी कि बी डी स्क्वायर। नाउ ए बी 15 सेंटीमीटर है तो हमने इसको 15 विदाउट यूनिट सिर्फ नंबर लिया है। नाउ ए डी और बी डी यानी कि 9 स्क्वायर, नाउ 15 स्क्वायर 225 9 स्क्वायर 81 और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 81 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। नाउ ए डी इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दिस इज इक्वल टू 4 और ये 1 और ये अंडर रूट आ जाएगा और ये हो गया आपका 12। तो ए डी आपका आ गया 12 और बी डी आपका 9 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। नाउ अब सिंपली आपको कॉस ए बी सी कैलकुलेट करना है, तो cos एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो गया बी डी, हाइपोटेनियस ए बी और बी डी यानी कि 9, ए बी यानी 15, 3 जा और 3 5 जा यानी 3/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। एक बार फिर से देखते हैं, सबसे पहले हमने फिगर ड्रॉ किया, वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि अपोजिट साइड को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करता है बिकॉज ऑफ आइसोस्केलिस ट्रायंगल। देन आफ्टर इस ट्रायंगल में हमने सारी साइड जो गिवन है उसको लिया, देन आफ्टर पाइथागोरस यूज करके एडी निकाल लिया। उसके बाद कॉस एंगल ए बी सी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस और इसकी वैल्यूज रखी है, देन इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ गया 3/5। ओके फ्रेंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। थैंक यू।